नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें लगातार बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आज फिर आपसे वीडियो के शुरुआत में ही ये गुजारिश करना चाहूंगी कि हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखा कीजिए ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें, कोई भी आशंका आपके दिमाग में ना रहे। लेकिन फिर भी अगर आशंका है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और साथ ही साथ लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। तो चलिए, आज हम जिस बिजनेस की बात करने जा रहे हैं ना, वो है सोलर पैनल से जुड़ा हुआ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार लगातार सोलर पैनल, सोलर ऊर्जा पर कितना ज़्यादा बल दे रही है। ये इसलिए क्योंकि ये सबसे अच्छा स्रोत है ऊर्जा का, वो सूरज की किरणों से मिलती है, किसी तरह का बिजली का बिल नहीं आएगा, तो इसलिए सबसे अच्छा सोर्स तो है ही। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात है कि इससे कोई किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं है। सूरज की किरणों से आपको सोलर एनर्जी मिलती है। और ये सोलर पैनल जो होते हैं ना, वो अलग अलग तरह के होते हैं। अब यही इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे सोलर पैनल हैं और कौन से ऐसे 5 सोलर पैनल से जुड़े बिजनेस आइडियाज हैं जो आप भी कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए देखते हैं। सोलर कंसल्टेंट बनकर शुरू करें बिजनेस। सोलर पैनल एनर्जी से जुड़कर आप सोलर कंसल्टेंट के तौर पर भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हालांकि कंसल्टेंट बनने के लिए आपको पहले किसी कंसल्टेंट के साथ अनुभव लेना होगा, जिससे आप सोलर बिजनेस की टेक्निकल नॉलेज सीख सकें। बहुत से लोग सोलर प्लांट लगाने से पहले उसकी फायदे नुकसान और वायबिलिटी के बारे में पता करना चाहते हैं। ऐसे में आप इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट की भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए आपको साइट पर जाकर स्टडी भी करनी पड़ेगी। सोलर कंसल्टेंट बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास एक ऑफिस, वेबसाइट, बेसिक चीजें होनी चाहिए। आप चाहें तो ऑफिस किराए पर ले सकते हैं। ऐसे में आपको 1-2 लाख रुपए तक का खर्च आएगा, लेकिन कंसल्टेंट के तौर पर आप 50,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। मेंटेनेंस और क्लीनिंग सेंटर का बिजनेस। सोलर पैनल से जुड़कर आप मेंटेनेंस और क्लीनिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। सोलर पैनल की जितनी अधिक सफाई और मेंटेनेंस होती है, उतनी ही उसमें प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी होती है। इसलिए आप क्लीनिंग सेंटर खोलकर सोलर पैनल मालिकों को रेगुलर सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा आप मेंटेनेंस भी शुरू कर सकते हैं। पैनल की मेंटेनेंस के साथ साथ सोलर प्रोडक्ट्स और इन्वर्टर्स की रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम किया जा सकता है। आप बेहद कम खर्च में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप इस बिजनेस को 50,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और कमाई के तौर पर 15,000-20,000 रुपए तक कमा सकते हैं। बिजनेस बढ़ने पर आप स्टाफ भी रख सकते हैं। जैसे जैसे आपका स्टाफ और काम बढ़ता जाएगा, मुनाफा उतना ही बढ़ेगा। ऐसे कमाएं 1 लाख रुपए तक। केंद्र और राज्य सरकार सोलर पैनल के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, इसी वजह से कुछ राज्यों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के सोलर प्लांट अनिवार्य किए हैं। यदि आप भी सोलर पैनल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप सोलर प्रोडक्ट्स बेचने का व्यवसाय कर सकते हैं। आप इनमें सोलर PV, सोलर थर्मल सिस्टम, सोलर एटिक फैन, सोलर कूलिंग सिस्टम आदि प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। आप 4-5 लाख रुपए तक निवेश से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों की SME ब्रांच इस बिजनेस के लिए लोन दे रही है। सोलर प्रोडक्ट्स बेचकर आप 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक कमा सकते हैं। फाइनेंसिंग कंसल्टेंट बनकर कमाई करें। जो लोग सोलर प्रोडक्ट्स लगवाते हैं, इन्हें एक फाइनेंसिंग कंसल्टेंट की आवश्यकता होती है। फाइनेंसिंग कंसल्टेंट सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने वाले लोगों को सर्विस देते हैं। कई सरकारी और गैर सरकारी एजेंसी सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराती हैं, लेकिन इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं होती। आप इस तरह की भी डिटेल जुटाकर लोगों को जानकारी दे सकते हैं। आप इस बारे में लोगों को गाइड करने के लिए एक ऑफिस खोल सकते हैं। ऑफिस खोलने और अन्य तैयारियों के लिए आपको तकरीबन 2 लाख रुपए तक का निवेश करना होगा, लेकिन आप इतना निवेश कर हर महीने 30-50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। आप प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से भी संपर्क करके प्रोड्यूसर के बीच की कड़ी बन सकते हैं। सोलर प्रोडक्ट्स बेचने का बिजनेस। सोलर पैनल से जुड़े प्रोडक्ट्स का आप बिजनेस कर सकते हैं। कई देशी विदेशी कंपनियां इन प्रोडक्ट्स का व्यवसाय कर रही हैं। आप भी इस प्रोडक्ट का व्यवसाय कर सकते हैं। सोलर मोबाइल चार्जर, सोलर वाटर हीटर, सोलर पंप, सोलर लाइट्स, इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जैसे वाटर हीटर पंप को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 1-2 लाख रुपए तक का निवेश करना होगा। इस बिजनेस के लिए आप लोन भी ले सकते हैं। इस बिजनेस को कर आप हर महीने 20-40,000 तक कमा सकते हैं। तो चलिए, ये 5 वो आइडियाज थे जिन्हें आप भी अपना सकते हैं और आप भी अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छे से वीडियो के साथ, किसी और जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।